हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को जीमेल अकाउंट से अगर आपने लिंक करके रखा है तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं, वहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर किसी दूसरे काम से अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को लिंक करके रखा है अपने जीमेल से, तो कैसे उसको रिमूव करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी देखिए क्रोम ब्राउज़र पे आ गया। उसके बाद में आपको ये जो तीन डॉट दिखाई दे रहे ऊपर में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट मेथड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो मेरा यहाँ पे डेबिट कार्ड है, यहाँ पे जो मैं जिससे ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, यहाँ पे लिंक है। ठीक है, तो मुझे अगर इसको रिमूव करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये जो एडिट वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये वाला मेरा मास्टर कार्ड है। ठीक है, मेरा डेबिट कार्ड है ये, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और रिमूव का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा इसकी जगह डाल सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे रिमूव नहीं करना है, तो अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ से आपको बस रिमूव के बटन को क्लिक करना है, यानी ऑटोमेटिक वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।